तो बच्चों आप सभी का स्वागत है मेरी नई क्लास में, जिसके अंदर हम सीखेंगे वृत्त का परिमाप और अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्त का परिमाप और अक्षेत्रफल निकालने से पहले हम वृत्त के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो आधारभूत बातें हैं, पहले उनको सीखेंगे कि भाई वृत्त के अंदर कौन कौन सी आधारभूत बातें हैं। जैसा आप वृत्त को देख रहे हैं, वृत्त के बीचों बीच जो ये बिंदु दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम केंद्र। वृत्त के बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको केंद्र बोला जाता है, और जो ये वृत्त के चारों ओर का जो अक्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि या परिमाप। अगली जो चीज है, वृत्त के केंद्र से लेके वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु तक खींची गई रेखा। वृत्त के केंद्र से लेके वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु तक खींची गई रेखा को हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। एक वृत्त के अंदर उसके केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींची गई सभी रेखाएं जो हैं बराबर होती हैं। इसका मतलब होता है एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं हैं, जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं, वो सभी जो हैं बराबर होती हैं। अगली जो बात आती है वो है वृत्त का व्यास। वो है वृत्त का व्यास। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम वृत्त का व्यास बोलते हैं। इन बातों का पता चलने के बाद हम सीखेंगे कि भाई वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं और वृत्त का अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2πr। सूत्र के अंदर पाई जो है, पाई का मान आपको स्टेटमेंट के अंदर दिया मिलेगा। अगर नहीं दिया मिलता तो आप जो है पाई का मान 22/7 या 3.14 में से जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं। अगर स्टेटमेंट के अंदर पाई का मान नहीं दे रखा तो आप अपनी मर्जी से पाई का मान 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। और सूत्र के अंदर जो आर है, आर का मतलब होता है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। इस प्रकार जो हम वृत्त का परिमाप निकाल सकते हैं, जिसका सूत्र है 2πr। तो एक उदाहरण के द्वारा वृत्त का परिमाप निकालना हम सीखेंगे कि भाई वृत्त का परिमाप जो है वो कैसे निकालते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट है, एक वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। जिसकी त्रिज्या सात सेंटीमीटर है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें यह कहा गया है कि भाई एक वृत्त का परिमाप ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि वृत्त का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2πr। हमारे सवाल के अंदर पाई का मान नहीं दे रखा तो हम अपनी मर्जी से पाई का मान 22/7 या 3.14 में से कुछ भी ले सकते हैं। तो आप सूत्र को हल करेंगे, 2 × 22/7 गुणा में आर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो अब 7 से 7 को काट देंगे तो 22 × 44 सेंटीमीटर जो हमारा है वृत्त का परिमाप निकल गया। वृत्त का परिमाप निकालते हो एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि वृत्त का जो परिमाप या परिधि जो होती है वो हमेशा सेंटीमीटर या फिर मीटर में निकालते हैं। वृत्त का जो परिमाप है उसको
सेंटीमीटर या मीटर में निकालते हैं। बोर्ड की क्लासेस के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक स्टेटमेंट देके कि भाई एक वृत्त का परिमाप ज्ञात करें, इसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, और आपको ऑप्शन में जो है सेंटीमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वेयर या मीटर स्क्वेयर दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि भाई वृत्त का परिमाप या जो परिधि है उसका मान हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में ही निकलता है। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं कि भाई एक वृत्त का जो है अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्त का अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वृत्त के अक्षेत्रफल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है, अगर सवाल में पाई का मान नहीं दिया गया है तो हम अपनी मर्जी से पाई का मान 22/7 या 3.14 में से कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार हम रख सकते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल जो है कैसे निकालते हैं। हमारी स्टेटमेंट है एक वृत्त का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या छह सेंटीमीटर है। तो हमारी जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें पूछा गया है एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम जो है आर का मान अपने सूत्र में रखेंगे और वृत्त का जो है अक्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का अक्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 × 6 × 6। पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो हमारा सूत्र में मान रखने के बाद आया उसमें से अगर कोई आपस में कट रहा है तो उसको काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम सीधी जो है वैल्यू रखेंगे। 22 और 6 की हम गुणा करेंगे, 22 और 6 = 36, 6 × 12 = 1, 6 × 12 = 13, उसके बाद 3 × 6 = 7, 2, 6, 3, 9, 8। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 892/7 cm². तो जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वृत्त का क्षेत्रफल 892/7 cm² होता है। अब एक और चीज आपको ध्यान देने वाली है कि अभी अभी जो हमने कराया था वृत्त का परिमाप या परिधि, उसका जो मान निकलता था वो सेंटीमीटर या मीटर के अंदर निकलता था, लेकिन जो अक्षेत्रफल का माप निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के अंदर प्राप्त होगा।